रात में चल रहा और मज़ा आ रहा है और दिखा रहे हैं आपको। और भाई साहब इसे इसे पहाड़ से उतरना पड़ रहा है, चलिए दिखाते हैं। देखिए ये जो पहाड़ है ना, कैसा एकदम नीचा तो टाइप पे जा कर के नीचे उतरने वाला है। और ये देखिए कितना चढ़ान है, इस टाइप में बहुत ऊंचा पे आपको चढ़ करके जाना है, आराम से जाना। और भाई साहब मतलब थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन ठीक है, हर हर महादेव, बाबा का नाम लेते रहिए और आराम से उतरते रहिए, क्योंकि बाबा का ही आशीर्वाद से हम यहाँ तक आए हैं भैया। बस गणेश आराम से देखो भाई, ऐसे पकड़ के चलना पड़ता है। देखिए ओह भाई साहब पहाड़ ऐसे है ना, पकड़ पकड़ के देखो कैसे बैठ बैठ के उतरना पड़ता है। गुप्ता धाम आप जब भी आइएगा तो आपको ऐसे रास्ते मिल जाएंगे देखने के लिए और उतरने चढ़ने के लिए। कभी आते हैं तो आराम से उतरिएगा और आराम से चढ़िएगा। ये हो भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, भैया ऐसे पहाड़ से उतराव चढ़ाव करके आगे तक जाना है। और जय हो प्रभु हर हर महादेव। धनेश आराम से, भाई देखो वहाँ पे पानी चल रहा है, पानी का आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा। ये पानी भैया बारिश का पानी है जो यहाँ पे गिर रहा है और यहाँ पे लोग आराम से चढ़ रहे हैं। ऐसे पतले रास्ते से भाई खाड़ी है इस साइड, चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए ये साइड में गड्ढा है, ये पूरा पेड़ पौधा है। और यहाँ से गिरने के बाद भाई साहब आप फिर अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पाइएगा, इसलिए देखिए यही पतला सा रोड है और इसी पतला से रोड से और ये जो उतरान है इसी से उतरना है आपको। और ऐसी रास्ते से भाई आप लोग को चलना है रात में। और देखिए भाई ऐसे मतलब इस टाइप का मिलेगा आपको, मिल जाएगा रास्ता। और आराम से अगर कभी भी आप आइए तो आराम से चलिए, क्योंकि पत्थर का जो फिसलाव होता है भाई बहुत ज़्यादा होता है मिट्टी बालू के वजह से। तो हम आपसे हमेशा कहेंगे कि आप आराम से उतरिएगा और आराम से चढ़िएगा। यहाँ देखिए खड़ पहाड़ है एकदम पूरा, इन्हें अकेले अकेले पैरों के बाहर हाथ नहीं खेत रहेंगे। हर हर महादेव। ये पुल है और पानी जब भी आता है बाढ़ टाइप का तो देखिए ये सब कोई मुरेठा अपना अपना बांध लिया है। पैसा रख लिया पॉकेट में भाई, ठीक है। पानी में तो शायद थोड़ा मोड़ा भींगे उठाए के पड़ी, चलो हम तो ठीक बानी चमकीला वमकीला लगा के। हर हर महादेव। भाई साहब देखो यहाँ पे कितना भीड़ हो गया है इस साइड में। और पानी है देखो यहाँ पे लोग उतर रहे हैं, ये जो सीढ़ी लगा हुआ है ये सीढ़ी पकड़ के लोग चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। भाई जब भी ज़्यादा पानी हो जाता है तो लोगों का थोड़ा सा सामना करना पड़ता है इस पुल पे चढ़ने के लिए। और आप ये साइड से चलिए एकदम अच्छा से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जय हो गंगिया मैया हर हर महादेव। एक साइड से बम लोग इस साइड से चलो, देखिए गाइस कितना पानी है इस साइड में। मॉर्निंग के 3 बज रहा है कि समथिंग 3:30 यही हो रहा होगा, तो टाइम मैंने देखा नहीं है कितना हो रहा है। और पानी देखिए, पानी आपको चलिए दिखाते हैं। बोल बाम, देखिए गाइस हम लोग पानी में चल रहे, जय हो, आराम से क्या बम। एक दूसरा का पकड़ ला, एक दूसरा का पकड़ ला मामा, एक दूसरा का पकड़ ला,
देखिए गाइस ऊपर से लोग जा रहे हैं, उतर रहे हैं। ये पुल वाला जो लकड़ी का पुल होता है उस पे लोग हैं और हम लोग पानी में जा रहे हैं। भाई पुल का कुछ पैसा साथ लेते हैं, मुझे नहीं पता है लेकिन लेते हैं लगभग 10 या 20 रुपये लोग लेते हैं पर पर्सन का। और पानी देखो भाई, गाइस हर हर महादेव भाई साहब। बिचाई में धार मारता भाई, मजा रहा भाई साहब। हाँ भैया गाइस ये पानी देखिए, हम लोग नदी पार कर रहे हैं। ये चुवा नदी है जो आपको कोई इससे भी ज़्यादा इसमें आपको पानी मिल जाएगा देखने के लिए। पानी ऊपर ऊपर चल रहा है। हाँ भैया जी, और ये पानी देखिए, लोग मुझे कुछ देख के बोल रहे भैया जी आप इधर ही है, क्योंकि भाई साहब हम आपको बता दें ये एक पुल है, खतरनाक पुल है, आपको इसमें अच्छे से जाना होगा अन्यथा आपके साथ थोड़ा सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भैया हम आपको चलिए बताते हैं कि हम लोग चल रहे हैं एक दूसरे को पकड़ के इस तरीके से। अगर कभी भी आप आइए तो बीच धार में एक दूसरे को पकड़ के चलिए और अच्छे से चलिए ताकि कोई गलती ना हो। वही पड़े दाब के चलिए, वही पड़े दाब के, वही पड़े दाब के, वही पड़े दाब के। जय हर हर महादेव। अगर इसमें धागा दुखी ना, धागा दुखी मत करो भैया, धागा दुखी मत करो, आराम आराम से। और बीच धार से आप लोग निकल चुके हैं और भाई ये पानी देख रहा होगा आपको, हर हर महादेव। जय हो गंगा मैया। गाइस ये पानी ऐसा पवित्र है जैसे भगवान भोलेनाथ का एक भक्त पवित्र रहता है गंगा मैया, ऐसी सब पे कृपा बनाए रखे। जय हो हर हर महादेव। गाइस सब लोग हम आ गए, हम अपनी टीम, और ये पुल भाई बहुत खतरनाक पड़ा। देखिए ये उतरने चढ़ने के मामला में बहुत खतरनाक है भाई। अगर आप शायद इस साइड में आते हैं तो पानी को अच्छे से नाप लीजिए, अगर नहीं नाप सकते तो इससे आप चढ़िए और कुछ पैसे लगते हैं 10-20 रुपये वो दे करके आप चढ़ सकते हैं नो डाउट भाई। लेकिन मुझे आप लोग को दिखाना था कि जब भी पानी आए तो आप इस तरीक़ा से एक दूसरे को पकड़ करके आप चल सकते हैं और कहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। इतना पानी में चलने के बाद भी बहुत मज़ा आया यार। अब चलते हैं हम लोग बाबा के दरबार में और वहाँ से सीताकुंड चलेंगे और इसी रास्ते सबको रूबरू कराते रहते हैं, तो रास्ता में बने रहिए, वीडियोज में भी बने रहिए। और चलिए चलते हैं आगे की साइड में।